हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी पहली वीडियो देख लें। तो गाइस, जो भी मेरी परेशानी थी मैंने थोड़ी सी शेयर की उसमें, क्योंकि मैं दिनों बाद यूट्यूब पर क्यों नहीं था, और अब मैंने दोबारा वापसी की है और इस कंपनी में मैंने ज्वाइनिंग की है। तो इस कंपनी में ज्वाइनिंग करने की सारी डिटेलिंग मैंने आपको बता दी है। अभी जो भी आज बने रही है हमारी आज की वीडियो में एंड तक, आपसे बस मुझे इतना कहना है। तो गाइस, पहले मुझे ना किसी का सपोर्ट था, ना किसी का सपोर्ट अब है। अभी मैं खुद के बलबूते पर मैंने जो भी कुछ किया, या मैं हूं या था, जो भी किया अपने बलबूते पे किया। लेकिन अब जो आगे मैं करूंगा, अब मैं सब आपके बलबूते पे करूंगा। अब आप लोग मुझे लेके जाएंगे कहां से कहां। बस अब आप लोगों को सपोर्ट करना है। दुआ कीजिए कुछ ऐसा वक्त ना आए, परेशानी ना आए, क्योंकि बहुत आ चुकी है परेशानी। अब ऐसा वक्त ना आए कि मुझे वापस से ये सब बंद करना पड़े, और मैं कोशिश ये करूंगा अपनी पूरी हद तक मैं अब दोबारा बंद ना करूं। अब मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करें, और धीरे धीरे आप गाइस बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ट्रिप के बाद। नेक्स्ट, तो गाइस अभी हमारे पास राइड आ चुकी है, और ये राइड आई है दोस्त सराय से ग्रेटर कैलाश की। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ पिकअप करने के और ड्रॉप करने के बाद, बता दो। हमारी राइड कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मैंने 40 मिनट्स वेट किया। और इस कंपनी में यही एक प्रॉब्लम है, काफी सारी प्रॉब्लम है। धीरे धीरे मैं आपको मेंशन करूंगा कि 45 मिनट पहले, एक घंटे पहले, आधा घंटे पहले पिकअप मिल जाता है हम लोगों को, जो वेट करना पड़ता है। तो मैं 40 मिनट पहले मैंने वेट किया, वहां खड़ा रहा था, तो मैंने अभी ड्रॉप कर दिया है। अभी मुझे नेक्स्ट राइड आ चुकी है। राइड का फेयर आया था 199 रुपीस। गाइस बने रहिए, आपको नेक्स्ट टाइम में मैं बताने वाला हूँ। ओके बाय। तो गाइस अभी मैं ड्रॉप कर चुका हूँ। ये राइड थी गाइस 12 किलोमीटर की, और इस राइड में मेरा जो फेयर आया है 259। तो गाइस बने रहिएगा वीडियो में। पहुंच चुके हैं टर्मिनल 3, 500 रुपीस, 22 किलोमीटर का। चलिए गाइस, तब तक मिलते हैं वसंतपुर से। और सीधी सीपी कार प्लेस की मुझे राइड मिली थी, और वो उस राइड का फेयर था 361 रुपए। टोटल मेरा जो काम था वो हुआ था 1253 रुपए का, और 65 रुपए की जीएसटी उन्होंने काट ली। तो टोटल जीएसटी प्लस करते हैं 1300 कुछ रुपए का मेरा काम हुआ। तो गाइस जैसे मैंने वो ड्रॉप किया, वहां से ड्रॉप करने के बाद सीधी मुझे 3 घंटे की रेंटर मिली है, जिस फर्स्ट स्टॉप जो इनका है चाणक्यपुरी का। मैं अभी चाणक्यपुरी में वेट कर रहा हूँ, गाड़ी का एसी ऑन कर लेता हूँ। तो और खाना मैंने गाड़ी में खा लिया है, और मैं खाना गाड़ी में ही खाता हूँ। हालांकि कंपनी में जो टाइमिंग मिलती है उसमें खाना खाने के लिए भी, एक और रेस्ट के लिए भी थोड़ा सा होता है, लेकिन टाइम नहीं मिलता, और मुझे पसंद भी नहीं है वहाँ खाना खाना, इसलिए मैं वहाँ खाना नहीं खाता, मैं गाड़ी में ही शुरू से खाना खाता हूँ। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। वहां से 10 बज जाएंगे, वहां से फिर निकलूंगा 10:30 बजे, उसके 1.5 घंटा लगेगा मुझे घर पहुंचने में। तो 12 बजे के आसपास पहुंचूंगा, 1:30-2 बजे से फिर गाइस 5:30-5:30 बजे मैं घर से निकल जाऊंगा। तो गाइस ये है इस ड्यूटी का शेड्यूल, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ही ज्यादा हार्ड है, जो हर इंसान नहीं कर पाता है, खास करके वो जो 15-20 किलोमीटर दूर से ट्रेवलिंग कर रहा हो। तो गाइस अभी आप मेरी स्थिति देख, सुबह आपने मेरी स्थिति देखी, अभी आप मिलते हैं फिर। ओके भाई, है हमारा हब, यहाँ गाड़ियाँ चार्ज होती हैं सारे में। ये देखो बहुत बड़ा है ये द्वारका में। मेरी गाड़ी चार्जिंग पे लगी है, फास्ट चार्जिंग पे। ये चार्ज पे लगी है गाड़ी मेरी, ये राइट वाली चार्ज पे लगी है वाली। मैं तो 10 मिनट का मॉल में जो गाड़ी चार्ज करने की जगह थी। तो गाइस यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत बेकार है मेरा, और मैं वो शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। वो ये है कि यहाँ पर नेटवर्क की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है,
कुछ भी सुविधा नहीं है नेटवर्क की, कुछ भी 0% नेटवर्क की सुविधा है। आपका जियो का सिम है तो ही आपके पास नेटवर्क आएगा, वरना यहाँ पर वाईफाई वगैरह सब साफ मना करते हैं एकदम क्लियरली कि हम कोई वाईफाई नहीं देंगे। आपकी पेनल्टी आती है, आने दो, कुछ भी होता है होने दो, नहीं तो फिर आप बेसमेंट B3 से आप ऊपर जाइए, फिर चेक की लिस्ट भरिए, फिर आपको चेकआउट करना पड़ता है। ये यहाँ बहुत गंदा सिस्टम है। और XR गाड़ी का सिर्फ एक ही चार्जर है, बाकी चार्जर नहीं है। यहाँ वेटिंग बहुत ज्यादा है, बहुत सारे मसले हैं, और यहाँ का स्टाफ भी इतना अच्छा नहीं है, बहुत रूडली बात करता है, बात करने की तमीज नहीं है। मुझसे तो उसने नहीं की, क्योंकि मुझसे बात करता तो मैं उसको, लेकिन किसी और से मैंने देखा बात करते हुए। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको ये सब चीज बता रहा हूँ। उस रेंटल बुकिंग का जो फेयर आया था 1942 रुपए का मेरा काम हुआ, 100 रुपए की इन्होंने अपना चार्ज काट लिया था, उसको प्लस करेंगे तो मेरा 2000 प्लस समथिंग काम हो चुका है। तो गाइज देखिए, बुकिंग देना इनके हाथ में होता है, ये अगर चाहे तो मुझे 1000 काम दे सकते हैं, ये चाहे तो मुझे 5000 काम दे सकते हैं, इनके हाथ में होता है सारा इसका एक्सेस। तो गाइज ये है आफ्टर ट्रिप के बाद। हो चुका है 9:40, मैं कंपनी से बाहर निकल चुका हूँ, 10 मिनट में बाहर निकलने लगे, अभी मैं बस स्टॉप पर वेट कर रहा हूँ बस का। और दोस्तों मैंने इसके बाद दो राइड की, 3 राइड की छोटी छोटी, तो टोटल मेरा काम हुआ 2600 कुछ रुपए का। तो गाइस वीडियो को पूरी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड धन्यवाद, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, थैंक यू सो मच। तो गाइस मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, थैंक यू सो मच।